श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक प्रेस बयान जारी करदे कहा है कि विश्व भर के सिख नौजवानों हर खेत्र में भावें वह आर्थिक राजनीतिक धार्मिक होण चेतन होने की लड़ है। इतने जारी प्रेस बयान में सिंह साहब ने कहा है कि केंद्र दी सरकार वालों सिखां नाल कीती जांदी वितकरेबाजी अते सिखां नाल आजादी उपरंत कीते गए विश्वासघातां तों बाद सिहर दे सिख आगुआं ने देश अंदर बेगानगी दे अहसास नूं महसूस करदे हुए हलेमी राज दे संकल्प नूं तरजीह दित्ती। इह सिखां दे अंदर पैदा होया आप मुहारा संघर्ष जां हिंसक प्रवृत्ति दा प्रगटा नहीं सी बल्कि सरकारी धक्केशाहियां दा प्रतिकर्म सी। जेकर पंजाब ने इन्ना लंबा समा संताप हंडाया है तां अतवाद दे नाम हेठ हकूमती जबर द्वारा कीता गया सिखां नाल नसल इसका प्रमुख जिम्मेवार है। सिंह साहब ने कहा कि कोई भी मां बाप नहीं चाहता कि उसके बुढ़ापे के सहारे नकली पुलिस मुकाबलों में खत्म करके उसकी लाश तक न दी जाए अध्यान पछाता अतवादी कह के समय की धूड़ में दफन कर दिया जाए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि गुरबाणी द्वारा दिए संकल्प के अनुसार बेगमपुरा जां हलेमी राज सिख कौम का जन्म सिद्ध अधिकार है अते वख-वख समय में सिख आगुओं ने जमहूरी ढांचे में रह के इसकी प्राप्ति अते रूपरेखा बारे अनेक बार बयान भी दिए ने अते अनेक सैमीनार अते गोष्ठियां भी हो चुकियां ने। उन्होंने कहा कि बेशक कई सियासी आगू मेरे वालों दिए गए बयान बारे बेलोड़ी बयानबाजी कर रहे हैं पर इन्हां दे ही मोढ़ी आगुओं ने किसी समय सिखां दे विशेष खेते की मंग नूं जायज़ ठहराया सी। सिखां दे प्रमुख धार्मिक स्थान उपर कांग्रेस सरकार वालों किए गए हमले अते वैशी कतलेआम ने सिखां अंदर हलेमी राज दे संकल्प नूं होर उत्साहित किया भावें कि कई गैर सिख राजनीतिक आगुओं ने भी इस सरकारी हमलावर नीति की विरोधता की पर अज तक केंद्र हुकूमत वालों कोई सुहिरद उपराला नहीं किया गया कि सिखां दीआं हक्की मंगां नूं प्रवानगी दे के उन्हां दे रिश्ते जख्मां उपर मलम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस दे नाल ही मेरी सिख नौजवानी नूं सिनेमर अपील है कि वह अजिहा राजनीतिक मुराज सिरजन जिस नाल पंजाब नूं हुकूमती जबर सरकारी साजिशां अते नौजवानी नूं गुमराह करके उन्हां दा कतलेआम करवाउण दी साजिश रचण दीआं ताकतां तों बचाया जा सके। सिख नौजवान अजिहे हथकंडिआं तों विशेष रूप विच सुचेत रहिण जो हिंसक प्रवृत्ति नूं उकसा के उन्हां दा कतलेआम करवा के आप राजसी गद्दियां अते सस्ती शोहरत दा आनंद माणना चाहुंदे ने। हुण तक यह साबित हो चुका है कि उस वेले दी सरकार ने अपने सियासी हितां लई सिखां खिलाफ नफरती बयानियां माहौल सिरजिआ अते उन्हां दी नसलकुशी कीती। जथेदार अकाल तख्त ने कहा कि एक पासे जिहड़े हुण वी सिखां खिलाफ अग उगल रहे ने यह उसे नफरती सियासत वाली सरकारी दहशतगर्दी के पैरोकार ने अते दूजे पासे कई विरोधी एजेंसियां दे ऐसे कहिंदे हन जो अजिहे अर्थ भरपूर बयानां दे गलत अर्थ करके सिख नौजवानी नूं भड़का के फिर वहशत अते दहशत दे माहौल विच धकेल के उन्हां दी नसलकुशी उपर सियासी रोटियां सेकणा चाहुंदे ने अते सोशल मीडिया राही सिख नौजवानी नूं भड़का रहे ने। उन्हां कहा कि सिखां ने हमेशा यही चाहिया है कि उन्हां नाल बराबरी अते न्याय वाला सलूक होवे क्योंकि वह भी दूजिआं नाल अजिहा सलूक करना चाहुंदे ने। सिखां ने अजिहा मिसलां दी चड़त ते महाराजा रणजीत सिंह दे राज वेले करके दिखाया है पर इस विचार नूं वक्खवादी अते अतवादी लकब दे के सिखां नाल नसली वितकरा शुरू कीता गया है कि सिखां दा वड्डा गुनाह यही है कि असीं अपने नाल होए धक्के बारे सियासी तौर ते चेतन हाँ। सिंह साहब ने कहा कि यह गल ठीक है कि सिखां नूं सिर्फ अते सिर्फ खालिस्तान दे विचार नाल परिभाषित नहीं किया जा सकता सिख इक विश्वव्यापी विचार है अते इस विचार ने दुनिया विच ठंड वरतौणी है। असल विच मेरे बयान तों उन्हां लोकां नूं ज़्यादा तकलीफ हुई है जो सिखां नूं सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी की वरतों करके खालिस्तान के सियासी विचार नाल धक्के नाल जोड़ियां गईयां झूठियां ते नफरती धारनावां नाल परिभाषित करना चाहुंदे ने अते दूजे पासे सिख नौजवानी दे खून दे प्यासे लोग उन्हां नूं सोशल मीडिया उपर भड़का के अपने अकामां दी राजपूर्ति करना चाहुंदे ने। अजिहे लोकां तों सुचेत रहि के जमहूरी ढांचे अंदर एक राजसी लहर सिरजण दी लोड़ है तां कि पंजाब दे खेते विच हर वर्ग दे लोग शेरे पंजाब वर्गे राज दा आनंद माण सकन। केंद्र सरकार नूं चाहीदा है कि सिखां दीआं हक्की मंगां वल ध्यान दित्ता जावे तां कि सिखां नूं बेगानगी दा अहसास ना होवे।